आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। गाजियाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहली बैठक होने वाली है। यहां वो भाजपा के अभियानों की समीक्षा बैठक करेंगे। धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बता दें, आज भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी से आगाज करेंगे। आपको बता दूं, भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने संगठनात्मक दौरे की शुरुआत कर दी है। भारत के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह 1 सितंबर के गाजियाबाद में आज प्रवास करेंगे। वहां दोपहर 1:45 बजे वैशाली गाजियाबाद स्टेट होटल में संगठनात्मक बैठक की संबोधित करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण मौजूद है। प्रवीण, आज गाजियाबाद दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लगभग गाजियाबाद में 1 बजे तक भूपेंद्र चौधरी यहां पर पहुंच जाएंगे। और हालांकि कई अपने पदाधिकारी जो लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े संगठन लोग हैं, उनसे वार्तालाप होगी। हालांकि सबसे बड़ा दौरा है यहां पर, क्योंकि पहली बार भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद सबसे पहला पश्चिम से ही उन्होंने दौरा स्टार्ट किया है, जो कि गाजियाबाद में उनका दौरा है। हालांकि 1 बजे उनका स्वागत समारोह होगा, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर है। 1:45 पे वो गाजियाबाद के वैशाली पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने मोहित बेनीवाल जो पश्चिम से जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होगी, अपने पदाधिकारियों से बातचीत होगी। और हालांकि उनके जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी वार्तालाप होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार यहां से प्रदेश से जिस तरह से अध्यक्ष बने हैं, उनका पश्चिम से दौरा जो शुरुआत जो पश्चिम से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक 2024 की हुंकार भरी जाएगी यहाँ से। और उसके साथ ही जो अपने संगठन है उनको मजबूत किया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी चुनाव को लेकर किस तरह से। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दूं आपको कि जिस तरह से त्यागी समाज को लेकर लगातार एक नाराजगी हो रही थी, जिस तरह से भाजपा से नाराज था त्यागी समाज, जिस तरह से जो नोएडा में प्रकरण हुआ उसको लेकर खासतौर पे पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भाजपा के लिए। क्योंकि यहाँ से लोग काफी नाराज दिख रहे थे, उनको मनाना भी है, उनको अपनी पार्टी से दोबारा उनको जोड़ना भी है। कहीं ना कहीं ये बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, आज पूरा दिन उनका बैठकों का दौर रहेगा। उसके बावजूद जो उनके पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि 2024 को लेकर हुंकार भरने वाले हैं यहाँ पश्चिम से। जी, गाजियाबाद दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ में धर्मपाल सिंह भी आज मौजूद रहेंगे। वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, समीक्षा बैठक होनी है, सभी लोगों के साथ बैठक होगी, क्योंकि जो वैशाली का सेक्टर 4 है वहां पर एक कॉन्वेंट होटल है जहां पर सभी लोग रुकेंगे, और वहीं पर ही सभी को बुलाया जाएगा, वहां बैठक होगी। हालांकि ये गोपनीय तरीके से बैठक होगी, हो सकता है पत्रकारों को, क्योंकि अभी तक पत्रकारों को ये पूरा डिक्लेयर नहीं हो पाया कि पत्रकार भी वहां पर शामिल रहेंगे। अगर पत्रकारों को अगर वहां पर बुलाया गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद या उससे पहले भी बैठक हो सकती है, अपनी पर्सनल बैठक हो सकती है पदाधिकारियों के साथ। साथ ही धर्मपाल भी जो आएंगे उनके साथ भी खासतौर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि हालांकि दोनों ही अभी नए चुने गए हैं प्रदेश के अंदर में, तो दोनों से काफी उम्मीद है भाजपा को, खासतौर पर 2024 को लेकर, जो अब इस समय जो एक ब्रुगुल बजेगा यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। प्रवीण, भूपेंद्र चौधरी जो है पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी एक मजबूत पकड़ है 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। उनको कहीं ना कहीं उनको एक दूरदर्शिता दी गई है, जिसे लेके वो प्रदेश को फिर से एक बार 2024 में चमकाने का उनका पूरा प्लान होगा। तो वहाँ पे और क्या रणनीति वो बनाने गए हैं, और क्या क्या उनके दौरे होंगे, और क्या क्या कार्यकर्ताओं से उनके आपको लेकर जानकारी मिली इसको लेकर? देखिए मनीष जी, आपने जो सवाल उठाया है बहुत बढ़िया है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी लगातार पश्चिम के बहुत कद्दावर नेता हैं, यहाँ पर उनकी पकड़ अच्छी है, खासतौर पे अपने संगठन को मजबूत करने में या उनसे वार्तालाप करने में वो बहुत अच्छे सक्षम भी हैं। तो इसीलिए उनको यहाँ भेजा जा रहा है। पहला, जिस तरह से प्रदेश में जिस तरह से अध्यक्ष बने हैं पहली बार पहले, तो उसको लेकर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद का दौरा है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अपने संगठन को मजबूत किया जाएगा, 2024 की तैयारियां पूरी की जाएंगी, किस किन पहलुओं को मापा जाएगा, कौन आदमी हम उसे पार्टी से नाराज है उन पर भी लेकर मंथन होगा। लेकिन अभी कुछ चीजें अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि 1:45 के बाद ही उनकी बैठक के बाद निकल कर आएगा कि क्या क्या बात होती है। अगर प्रेस को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बातें हुई होगी उनसे भी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जी, गाजियाबाद की समीक्षा बैठक में भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब दिल्ली क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है गाजियाबाद से, तो हो सकता है कि दोनों नेता वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री ने के पास समय अगर लिया होगा तो मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, सेंट्रल दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन बैठकों का दौर है वो आज पूरे दिन भर होना है। हो सकता है कि शाम ढलते ढलते वो सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर उनसे मुलाकात की जाए। परवीन, धर्मपाल सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, ये मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं जल्दी ही, इसी को 2024 को लेकर समीक्षा बैठक और कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए रालोद और सपा गठबंधन के चक्रों को तोड़ने के लिए, भाजपा के किसानों को साधने के लिए भी इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई है। फिलहाल पश्चिमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सदस्यता अभियान को लेकर वो वहाँ पर जानकारी मिली कि वहाँ पे लोगों से वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और सदस्यता अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा वहाँ पर, तो उसके लेके भी क्या जानकारी आपके पास आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए लगातार जिस तरह से मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत ने जिस तरह से जो धरने का प्रदर्शन का और इस तरह से मूड बनाया, फिर सरकार के खिलाफ गए, कहीं ना कहीं फिर दोबारा एक बार कूच की गई, तो हो सकता है कि इनके द्वारा भूपेंद्र चौधरी द्वारा कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जोड़ा जाए जो किसान नाराज है, उनको भी मनाया जाए, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, कहीं ना कहीं उनको भी जगह दी जाए, तो जो किसानों के वोट बैंक है उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है क्योंकि भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर जिस तरह से बैठक करेंगे तो इसमें बैठक में बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को नजर में ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से किसान नाराज हैं उनको मनाया जाएगा, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है गाजियाबाद का। प्रवीण, गाजियाबाद अब भूपेंद्र चौधरी पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आपको, वो अपने नए प्रदेश अध्यक्ष से मिलने वाले हैं? जी देखिए, हालांकि कुछ लोगों ने जो पुरानी फोटो खिंचवाई थी भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ उन्होंने शेयर की थी, लेकिन हालांकि अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो लोग आज फोटो खिंचवाएंगे, अपनी वायरल करेंगे सोशल मीडिया पे, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश की कमान संभाली है तो कहीं ना कहीं अब जो उनके ऊपर काफी भार दामदार रहने वाला है, कहीं ना कहीं अब जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे भी वार्तालाप करेंगे, उनको भी समझाएंगे आगे की रणनीति किस तरह से बनानी है, 2024 को लेकर किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करना है, लोगों में किस तरह से सद्भावना और विश्वास जताना है, ये सब चीजें बातों को लेकर इस पे मंथन होने वाला है। जी भूपेंद्र सिंह चौधरी के आज वहां आगमन पे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और तैयारियां जाहिर सी बात की गई होंगी, और प्रदेश कार्यालय जो भी वहां भी बना होगा कार्यालय बीजेपी का, तो वहां भी कुछ तैयारियां आपको देखने को मिली होंगी। देखिए जहां पर उनका स्वागत समारोह होना है वहां पर भी तैयारियां हो चुकी है, हालांकि पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे उनका और आना वहां पर, क्योंकि भीड़ का जमावड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो उनकी बैठक होनी है वैशाली सेक्टर 4 में, उस होटल को भी सजा लिया गया है, उस होटल को भी बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि भीड़ को देखते हुए, क्योंकि धारा 144 भी लागू है यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर में आगामी त्योहारों को लेकर, तो उसको भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा। खासतौर पर यहाँ पर प्रशासन, जिला पुलिस सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि बैठक का जो दौर है लगातार जारी रहेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बैठकों में ही निकलकर सामने आएंगी। अगर मीडिया को संबोधित करते हैं भूपेंद्र चौधरी तो कहीं ना कहीं जो उनकी वार्तालाप रहेगी अपने संगठन से या अपने कार्यकर्ताओं से, तो वो सब बातें वो हम लोगों से जिक्र भी करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सब उसके बाद खुलकर सामने आएगा कि आखिर जो बैठक है ये किस तरह से होने वाली है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाए। प्रवीण, आप जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं, और भूपेंद्र चौधरी को लेकर जनता क्या सोच रही है? देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जनता काफी खुश है, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया उसको लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला, क्योंकि लोग बताते हैं यहाँ के लोग जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता या जो लोकल यहाँ की लोकेलिटी है वो लोग सब उनको प्यार करते हैं, चाहते भी है, क्योंकि वो जमीनी स्तर से, एक तो उन्होंने एक छोटे स्तर से राजनीति स्टार्ट की थी, उसके बाद लगातार जिस तरह से हर एक व्यक्ति से मिलना, हर एक व्यक्ति से अपनी बातें रखना, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता जो है यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी देखने को मिलती है। जी प्रवीण, भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद पहुंचेंगे, तो उनकी पल पल पे अपडेट पे आप नजर रखिएगा। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष आज गाजियाबाद पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ में समीक्षा बैठक भी, कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए वहां के कार्यकर्ताओं और वहां के पदाधिकारियों को 2024 को लेकर एक नई रूपरेखा कुछ ना कुछ जरूर देंगे कि कैसे आगे संगठन को मजबूत बनाया जाए। फिलहाल
यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, यूपी से बड़ी खबर है। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, बड़ी खबर है ये। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने हैं। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। यूपी से बड़ी खबर है ये। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम विकास और आरईएस बने। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, बड़ी खबर है ये यूपी से। तबादलों का दौर यूपी में जारी है। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले। यूपी में इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय मोड पर है और लगातार यहां पर जो भी काम, अगर कोई सक्रियता नजर नहीं आती है या बेहतर काम को अंजाम देना चाहते हैं तो यहां पर तबादलों का सिलसिला जारी है। और आज 16 जो आईएएस अफसर हैं उनके तबादले के प्रमुख प्रमुख नामों में यहां पर शामिल है। निश्चित आपको नाम बताऊँ तो अमित मोहन प्रसाद, जो लगातार साढ़े तीन साल से लगभग वो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कार्यभार संभाल रहे थे, उनको यहाँ पर, क्योंकि वहाँ उन पर तबादले घोटाले का आरोप भी लगा था। और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। उसके बाद लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, जिसके चलते उनको हटा दिया गया है और उनको लघु उद्योग विभाग दिया गया। इसके अलावा संजय प्रसाद जो कि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव है, उनको और कार्यभार दिया गया है। नवनीत सहगल जो को सूचना विभाग में थे, पर सूचना विभाग उनसे लेकर संजय प्रसाद को दे दिया गया है। जो इसके अलावा जो अभी जब अस्थि थे, कल उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ, उनका रिटायरमेंट कर दिया हो गया उनका। और रिटायरमेंट होने के चलते उनका विभाग जो अपर मुख्य सचिव गृह थे वो, उसका विभाग भी उनको, जो संजय प्रसाद हैं जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, उनको दे दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्वास्थ्य अपर जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो विभाग है, जो अभी तक अमित मोहन प्रसाद देख रहे थे, वहाँ पर एक बहुत काबिल अफसर को रखा गया। वहाँ पर सारथी सेन शर्मा को रखा गया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो यूपी सरकार ने फेरबदल किया है, बहुत बेहतर फेरबदल किया है। मनोज कुमार सिंह जो लगातार ग्राम विकास देख रहे थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा फेरबदल। और निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव को देखते, निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए ये जो तबादला एक्सपेक्ट चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ बेहतर परिणाम लेती नजर आएगी। गौरव, अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले आज हो गए हैं और ये रेल रुक नहीं रही है। होती रहती है, क्योंकि अगर हम प्रक्रिया की बात करें, क्योंकि जब आईपीएस के तबादले होते हैं, आईएएस के तबादले होते हैं, तो विभागों का तबादला सिलसिला जारी रहता है। बेहतर परिणाम के लिए सोचते हैं उनको बेहतर निकलना है। मुख्यमंत्री लगातार दूसरे कार्यकाल में सक्रिय नजर आ रहा है। सक्रियता के माध्यम से विश्वस्त करना चाहते हैं, फिर भी अधिकारी अगर किसी काम में सफलता दिखा जाएगा या उसकी जो सुचिता नजर आएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह से ही तबादला इसमें चलती रहेगी। और समझ कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि अगर बेहतर काम करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव बहुत जरूरी है। मनीष, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले,
फिलहाल यूपी में भी 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।